हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी इस बनाना स्टेम से बहुत बढ़िया वड़ा बनाने वाली है, लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल में। सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन कर देती है और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। अब इसको बॉईल करने के लिए कढ़ाई में पानी डालती है, फिर बनाना स्टेम्स को डालकर थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल देती है। अभी इसको थोड़ी देर बॉईल होने के लिए छोड़ती है। अभी बड़ा बनाने के लिए दो प्याज, कुछ हरी मिर्ची और धनिया के पत्ते लेती है। इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। अब ये स्टेम्स भी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें जो भी रुई जैसा पार्ट रह गया है, मम्मी उसको नारियल के पत्तों में जो स्टिक होती है ना, उसका यूज करके इसमें घुमा घुमा कर निकाल देती है। इसमें सूखी स्टिक का ही यूज करिएगा, क्योंकि इसी से ही अच्छे से निकल जाता है। वड़ा बनाने के लिए पहले इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालती है, फिर कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और धनिया की पत्ती, उसके साथ थोड़ी सी नमक डाल देती है। फिर 3 टीस्पून बेसन और थोड़ी सी चाट मसाला डालकर इसको अच्छे से मिला देती है। इसमें पानी का यूज नहीं करना है। इस बनाना स्टेम से जो पानी निकलेगा ना, उसी से ही ये अच्छे से बन जाएगा। अभी मम्मी एक प्लेट पर कुछ तेल बिखर देती है और इसको इसके ऊपर रखकर कुछ ऐसे शेप देती है, जिससे ये तेल उसमें अच्छे से लग जाए। ऐसे ही ये तेल आपको दोनों तरफ लगाना है। और यहाँ पर एक पैन में तेल गरम करती है। तेल गरम होने के बाद इस वड़ा को इसमें फ्राई करती है। अब आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब तो ये क्रिस्पी के साथ बहुत टेस्टी भी बना है। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।